अधीर रंजन चौधरी की ललकार, पीएम मोदी पर किया करारा वार, पीएम मोदी के सीने में मिलेगा अडानी। ये सबको पता चल गया कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी एक सिर्फ एक कायर की नाम होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक कायर है और कुछ नहीं। प्रियंका जी सच्ची बात बताएं, यहां अगर कायर ना होते तो राहुल गांधी जिस दिन सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए हमारी तरफ से जिनकी नाम पेशकश किए थे हमें, वो राहुल गांधी जी के नाम हम पेश किए थे हमारे स्पीकर साहब के पास, मतलब सरकार के पास। और नियमों के मुताबिक सर, सदन की शिष्टाचार के मुताबिक जब विपक्ष के तरफ से सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बहस होने शुरू होता है तो हमारी तरफ से जो हमारे लीडर जो अगुवाई करते हैं उनको भाषण सुना जाए और वो सुनने के लिए प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहे, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा सदन की शिष्टाचार है। लेकिन आपने देखा जिस दिन राहुल गांधी जी एक के बाद एक कच्ची चिट्ठा निकलकर एक के बाद एक घोटाला को उजागर करने में सदन के अंदर उपस्थित हुई थी, उस दिन सदन के अंदर मोदी जी बिल्कुल नदारद थे। चीन के खिलाफ ये सरकार की कमजोरी ये भी सच साबित हो चुकी है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि चीन के साथ लड़ने के लिए हमारा वित्तीय ताकत नहीं है। ये मैं नहीं, राहुल जी नहीं, खुद हिंदुस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके मतलब क्या होते हैं? राहुल गांधी जी जो शिकायत लगे हैं एक के बाद एक शिकायत सच साबित होते जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी जी मोदी और अदानी के बारे में जो शिकायत दर्ज किए हैं वो भी साबित होते जा रहे हैं। आप जानते हैं अगर मोदी को सीना चीर के देखो अदानी मिलेगा, अदानी की सीना चीर के देखो मोदी मिलेगा। इसलिए हम लोग सदन के अंदर एक नया नारा तय कर लिए हैं, मोदानी मोदानी, अरे मोदानी मोदानी, मोदी और अंबानी, ये दोनों शरीर एक हो गए हैं, अब मोदानी बन गए हैं। ये मोदानी को तालाब की पानी पिलाने के लिए आइए अगले दिन सब एकजुट होकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेत्री प्रियंका जी, इनको अगुवाई में हिंदुस्तान में हम एक 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 जंग छेड़ेंगे। ये जंग हिंदुस्तान की आज की तानाशाही की खिलाफत करते हुए ये तानाशाही की सरकार को खदेड़ने में सफल होगा, कामयाब होगा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।